बेबीबाजी ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में आप देखेंगे। नसीर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अस्मा इस तरह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए जॉब करना शुरू हो जाएगी। वो काफी ज्यादा गुस्से में अस्मा से कहता है, तो तुमने अपने ही शोहर की बराबरी करना शुरू कर दी है। दो बातें मैंने क्या तुम्हें सुनाई? तुमने इस घर से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। अस्मा कहती है, मुझे अपने बेटे को पढ़ाने के लिए जिस हद तक भी जाना पड़ा मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे सामने जुबानदराजी मत किया करो, इसीलिए मुझे तुमसे नफरत है क्योंकि कभी भी तुमने मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं। इधर अक्षय अपनी माँ से यही कहती है कि अब नसीर को मैं अपना फैसला सुना दूंगी कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा। और अक्षय, मेरी बात आप भी मान लो, सलमान एक अच्छा लड़का है, आखिर वो दुबई में रहकर आया है। तुम खुद सोचो उसने कितनी रकम जमा की होगी। नसीर के पास अपनी गाड़ी और फ्लैट के अलावा है ही क्या, आप बस देखती जाए कि आपकी रक्षी करती क्या है। मैंने आपसे कहा था ना, नसीर की जिंदगी का हिस्सा बनना मेरी जिद बन चुकी है क्योंकि बेबी बाजी को लगता था ना कि मैंने उनके बेटे को अपनी जान में फंसा दिया है। अब उन्हें पता लगेगा कि उनकी नई बहू उनके साथ करती क्या है। आने वाली एपिसोड्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही हैं।